वराह रूप भगवान की, मत्स्य रूप भगवान की, दशावतार रूप भगवान की। जय जय श्री सीताराम। कूर्मशिला पर नवरत्न जड़ित पंचधातु निर्मित कमल पुष्प सहित गंध पुष्पाक्षत अर्पण करता है। हेलो डियर फ्रेंड्स ऑल ओवर द नॉर्थ अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। दिस इज पद्मश्री डॉक्टर सुधीर परीख, चेयरमैन ऑफ द परीख वर्ल्ड मीडिया एंड आईटीवी गोल्ड, एज वेल एज ऑल द ट्रस्टी ऑफ वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन यूएसए, आर वेलकमिंग यू टू द ग्रेट ऑस्पिशियस सेरेमनी ऑफ राम टेम्पल भूमि पूजन। we got the calling from the committee, Ram Temple committee, and its chief chairman to bring the waters from the all over the USA, holy water all over the USA, and those holy water has to be we did a puja, and that holy water is going to go to the Ayodhya, and we're going to pour onto the foundation to make the Ram Temple, our contribution to the Ram Temple. Now I would like ओक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा अंगेश सहिता सर्वे कलशाम्बु समासिता गायत्री चैव सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयांतु देव पूजार्थ दुरितक्षय तारका अष्टांगयोगकलनाश महाव्रतानी त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। 500 साल के बाद, मोर देन 500 ईयर्स, प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी उनमें अथक प्रयास, और भारत के अनगिनत लोगों का उसमें ब्लड सेड हुआ, अनगिनत लोगों के प्रयास से आज वो हिस्टोरिकल मंदिर पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का वहाँ पे उसका भूमि पूजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। और वहाँ के मैनेजमेंट की तरफ से जो खबर आई है कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि पूरे वर्ल्ड से मंदिर से वो और तीर्थम वाटर, ओशन के तीर्थ वाटर वो लोग इकट्ठा ले रहे थे, और उसमें हम लोग यहाँ से हमारी पूरी टीम, हमारे पूरी जो एग्जीक्यूटिव टीम है, हमारे ट्रस्टीज लोग, हमारे सभी लोग जाकर के अलग अलग टेंपल्स में उन्होंने तीर्थम जल इकट्ठा किया। हम लोग आज वीडियो बना रही हो, हम लोग आज एडिसन न्यू जर्सी के उमियाधाम मंदिर में हैं। मंदिर के प्रांगण में आज यहाँ से तीर्थम जल हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, और प्रभु राम की कृपा से ये काम हम लोग को स्वीकार सौंपा गया है, और ये तीर्थ जल ट्यूजडे को यहाँ से भारत के लिए रवाना होगा। जय श्री कृष्णा, जय उमिया माता की, उमिया माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। वी आर वेरी वेरी ग्लैड वेर एवर वी वेंट इन द टेम्पल, all the priest, everybody, whoever was present there at the temple, they were very pleased, very touched that we are doing this kind of work. And we pray to Almighty God, Prabhu Ramji, to give us his darshan very soon, within a year or so,
we will be very, very glad. We will go as a team and celebrate the occasion. दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जिसमें र और म शब्द नहीं आता है। अगर र या म में किसी को हटा देंगे ना तो पूरा मंत्र अपभ्रंश हो जाएगा। जैसे ओम नमः शिवाय, नम में म आया, राम का म आया, अगर म निकाल दो तो ओम नमः शिवाय हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें र और म नहीं आता है। तो ऐसे हमारे राम भगवान की अयोध्या के अंदर हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति की अभी जो मंदिर हो रहा है, भक्तों की कृपा से, ऋषियों की, संतों की, सब लोगों के मिलकर प्रार्थना किया हुआ है, हे भगवान राम ऐसा मंदिर वहां शिलान्यास हो कि जब तक चांद रहे, जब तक सूरज रहे, तब तक हमारा मंदिर अजर रहे, अमर रहे और शाश्वत रहे और खंडित कभी न हो। बोलो राम चंद्र भगवान की जय। आप श्री के द्वारा लाया कलश में क्या कुछ है क्या? कलश का मंत्र बोल लीजिए। ओम आज कलशम When we heard that they have asked for the holy river waters from various sources of the world, this was a good decision from the committee members, and thanks to all the team members who worked tirelessly to collect this, and we will be sending it across to India as a contribution from all the people of North America. So we thanks to the all the team member of World Peace and Health Organization, and also to the ITV Gold for conducting this and organizing this event. We are very fortunate today that we have holy water from all the temples of United States and from all the rivers. And this water was collected after prayers to the God and different temple it was done after collected after the puja, and we are so fortunate that we have this opportunity to collect the water for the Ram temple, construction of the Ram temple, and for the foundation of the Ram temple. And we thank the temple committee as well as our Prime Minister नरेंद्र भाई मोदी टू गिव अस सच ए अपॉर्चुनिटी। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो कि हम लोगों को ये काम मिला है करने के लिए। तो मैं अयोध्या की कमेटी को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने हमें ये काम दिया और हम लोगों ने ये होली वाटर इकट्ठा किया। भगवान को अमृत कहीं से इनको तीर्थम जल कह के दिया गया, कहीं से इनको पंचामृत कह के दिया गया, तरह तरह के नाम इन जल को दिए गए। और जब जल लेके हम लोग आ रहे थे तो हमें कभी सोचा भी नहीं था कि रामलला के मंदिर के लिए एक हमारा भी छोटा सा ऐसा सौभाग्य होगा कि जो कि हम लोग जुड़ सकेंगे। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, और मैं धन्यवाद पारिक भाई साहब को कहती हूँ जो आपने हम लोगों को जोड़ा इस कार्य में, और धन्यवाद अयोध्या के सभी कमेटी मेंबर को कहती हूँ हमेशा हम लोग को इसी तरह जोड़े रखें। और रामलला गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं बोलूँगी कि ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान राम ने हमको अपने इस कार्य में एक छोटा सा पार्ट निभाने के लिए दिया। और बहुत बहुत सालों की तपस्या, बहुत लोगों की और बहुत इंतज़ार के बाद हम भाग्यशाली हैं कि हमको राम जी का मंदिर देखने के लिए मिलेगा। और हमने ये जो तीर्थम जल है या भगवान के अभिषेक का जल है या चरणामृत है, तो ये सब मंदिरों से हमने लिया, ब्रज धाम से, बालाजी टेंपल से, स्वामी नारायण से, बहुत सारे, और सबके सब ने बहुत प्यार से, बहुत ही हमारा भगवान की बहुत उत्साह से ये जल हमको दिया। और ये सभी जल वहाँ भूमि पूजन में
वहाँ पे सभी लोग उसको डालेंगे। और एक सिंबॉलिक कि प्रभु राम हमारे पुरुषोत्तम राम जो थे वो शांति के दूत, और पूरी दुनिया में उन्होंने शांति समृद्धि का जो उन्होंने जो संदेश दिया था, तो आज उस मंदिर के निर्माण में हम लोग बहुत अभिभूत हैं कि हमें इस काम के लिए चुना गया और हम इस काम को पूरे पैशन के साथ हमारी पूरी टीम ने किया। अपनी पूरी टीम को भी धन्यवाद देंगे, सभी मंदिर के ट्रस्टीज़ जिन्होंने पूरे डिवोशन के साथ इस पूरे प्रोग्राम को अलग अलग इस पैनेडमिक टाइम में, इस ए वेरी हार्ड टाइम फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने जो प्रयास किया, 100 ऑफ लोग आकर के लोगों ने गरबा किया, लोगों ने अलग अलग ढंग से रिस्पेक्ट कि हम लोग के मंदिर को उसमें सेलेक्ट किया गया जहाँ से हम मंदिर के जल को वहाँ भेज सके, तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत। और सभी लोग जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, मंदिर के प्रेस्ट हैं, और जिनको भी पता चला, सभी लोग उस कलश को टच करने के लिए कि शायद हमारी भी वो एक गिलहरी की भांति, एक चींटी की भांति प्रभु राम के उस मंदिर में हमारी भी एक छोटी सी आहुति वहाँ पर जाए। और सभी लोगों ने परमात्मा से यही प्रे किया है कि प्रभु जल्दी से आपका वो मंदिर, रामलला जी मंदिर वहाँ, आप वहाँ विराजें और हम लोगों को आप वहाँ बुलाएं कि अपने इस जीवन में 5 जनरेशन के बाद जो मौका मिला है हम भी अपने आंखों से वो दर्शन कर सकें। धन्यवाद। ऑल राइट, रिक्वेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स दोज हु आर हियर टू जस्ट पुट द वाटर फ्रॉम द डिफरेंट टेम्पल, होली वाटर इन टू द दिस जग विच विल गो टू द अयोध्या and it will be kind of put on the on the bhumi pujan of the Ram temple. So Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.